Hello everyone. So today we are going to start our new class. Okay. So I hope आज तक की जो भी हमारी classes है वो आपको समझ आ रही है and you are following everything really well. So now this is our new class. Our topic is accounting information. जब भी हम accounting करते हैं तो हमें उससे qualitative information मिलती है किसी भी economic entity के बारे में जो हमें finally जाके कुछ important economic decisions लेने के लिए जरूरी होती है. ये हमें आज तक हमने पढ़ लिया है हमारे फ्लो चार्ट्स में, अकाउंटिंग के मतलब में, सब चीजों में ये चीज हमें पता है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आफ्टर बुक कीपिंग के प्रोसेस के बाद जो हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग फॉर व्हाट, टू अराइव एट सम डिसीजंस. ओके. टू अराइव एट डिसीजंस. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब हमें इन्फॉर्मेशन किस किस चीजों के बारे में मिलती है. सो वी गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और सरप्लस, अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और द एंटिटी, इकोनॉमिक एंटिटी, एंड द कैश फ्लोज ऑफ इट. ओके. सो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस ये हमें किससे मिलेगी, द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिससे हमारी इनकम के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट वी कैन कॉल इट एनीवे. ओके. सो जब भी कोई भी फर्म के पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो उससे उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है. तो वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिला है उससे इनका प्रॉफिट और सरप्लस उनको पता लगता है. सो नेक्स्ट थिंग इज उसकी फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है द पोजिशन स्टेटमेंट से. तो वो क्या होती है, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों होती है. तो उन दो तो एंटिटी के कितने लोन्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, क्या उसमें कैपिटल है, वो पता लगता है लाइबिलिटीज साइड से. असेट साइड से पता लगती है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है और हमारे पास कितने कितने असेट्स है. तो उससे एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन, एक कैसी उनके अमाउंट पेबल है, उनकी क्रेडिबिलिटी उससे पता लगती है. एंड द थर्ड थिंग इज कैश फ्लो. जो इनफ्लो और आउटफ्लो है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जैसे वन ईयर का पीरियड जनरली हम लेते हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो है, कैसे डिसीजंस हो रहे हैं, कैसे पेमेंट, लाइबिलिटीज के पेमेंट हो रहे हैं, डिविडेंड पे करना है, कुछ एक्सपेंड करना है, ये सब चीजें कैसे पता चलेगा, कितना हमारे पास अवेलेबल कैश है उससे. तो अगर हमारे पास अच्छा अवेलेबल कैश है, अगर हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रॉपर स्टेटमेंट है, उससे हमें पता लगेगा कि कब हमारे पास कैश अवेलेबल है, कब नहीं है, कब हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, कब हमारे पास एक्सटेंडेड कैश है. तो हमें अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, किस टाइम के लिए करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो हम देख सकते हैं. प्लस बड़ी बड़ी कंपनीज को डिविडेंड पे करना है, कोई लाइबिलिटीज का टाइमली पेमेंट करना है, ये सब हमें कैसे पता लगेगा, ये सब हमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश से पता चलेगा, और दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो अब हमें पता लगना है, अब इस हमें अकाउंटिंग समझ आ गई है, हमें सब कुछ समझ आ गया ना, और हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी पता लग गई है. सो नाउ व्हाट अबाउट इट, उनका क्या करेंगे, वो किसके काम आएगी. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. रिमेम्बर दिस, जो हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट में पढ़ा था, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद किसके पास जाना होता है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. ओके. सो नाउ कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स. फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स ब्रॉडली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ओनर्स होते हैं, एक मैनेजमेंट होती है, और एक एम्प्लॉयज और वर्कर्स होते हैं किसी भी एंटिटी में. ओनर्स ऑफकोर्स ही बात है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी कैपिटल दी है, तो सबसे ज्यादा रिस्क तो उन्हीं के पास है, तो उनको तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना उनकी कंपनी में या उनकी एंटिटी में क्या चल रहा है. तो ओनर्स को कैसे पता चलेगा, उनके प्रॉफिट एंड लॉस का उनको होना चाहिए, ये उनका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उनको पता होना चाहिए. मैनेजमेंट के लिए क्या इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, उनको डिसीजंस लेने, मैनेजमेंट डिसीजंस कि कब उनको कैसे वर्क करना है, कितने इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट कहाँ से परचेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसीजंस कौन लेगा, मैनेजमेंट लेंगे. तो उनके लिए भी ये चीज इम्पोर्टेंट है. नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. सो नाउ थर्ड वन इज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. Whenever is any entity is earning a profit, okay, so the employees and workers are entitled to some bonus. उनको bonus मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए.
ओके तो उनको कैसे पता लगेगा, उनको जब पता लगेगा हमारी एंटिटी प्रॉफिट अर्न करनी, और प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा कि हमारे पास उनके पास है, हो रही है इनकम कंपनी के अंदर, नहीं हो रही है तो उनको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ईपीएफ एंड ईएसआई के ड्यूज पे हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये भी उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है ईएसआई, ये एम्प्लॉयज के लिए होते हैं जो कंपनी पे करती है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये हमारे बैलेंस शीट में शो होता है। ओके नाउ नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है। एक्सटर्नल यूजर्स है हमारे लेंडर्स। अब हमें कौन कौन लेंड करते, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर वो हमें कुछ भी अमाउंट लेंड कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, तो उनकी अपनी भी एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको पता लगना चाहिए कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कोई भी एंटिटी जो है वो कैसा वर्क कर रही है। क्योंकि उनको भी जो उन्होंने लोन्स और एडवांसेस हमको दिए हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी रिकवरी इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमें देंगे या नहीं देंगे ये कैसे पता लगेगा उनको, कि हमारी रिपेइंग कैपेसिटी कैसी है, वो सब पता लगेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो मिलती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है कोई भी इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर कब आपके पास इन्वेस्ट करेगा, आप बताओ, थिंक एज ए इन्वेस्टर आप कहाँ पैसा लगाना चाहोगे। ऑफ कोर्स ये बात है कोई भी प्रॉफिटेबल एंटिटी में, राइट। और वो कैसे पता लगेगा हमें, अगेन हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। क्रेडिटर्स है, कोई भी आदमी क्रेडिटर है, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो कब आपको ऑन क्रेडिट कब देंगे, नहीं तो कैश में देंगे कि आप दो अभी पैसा और अभी सामान लेके जाओ, दैट इज फाइन। बट आपको क्रेडिट पे कैसे देगा कोई, उसमें ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट कैसे बनेगा आपकी क्रेडिबिलिटी से, और वो क्रेडिबिलिटी कैसे पता लगेगी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या फायदा हो सकता है एक छोटी कंपनी से या एक एंटिटी के। गवर्नमेंट को पता लगता है जब गवर्नमेंट कंपाइल करती है पूरे नेशन की इनकम और जीडीपी निकालती है उसका। इसलिए जब नेशनल इनकम डिराइव होती है तो हर एक एंटिटी की इनकम गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट हमारे पे बहुत सारे टैक्सेस अप्लाई कर लिवाए करती है, ठीक है, और ये सब अंडर डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज के अंदर होता है। ओके सो जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ऐसे काफी चीजें ड्यूटीज वगैरह लगती है जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज के अंदर होती है। तो ये टैक्स ड्यूज हमने पे किए हैं नहीं पे किए हैं, टाइमली पेमेंट है कुछ है, तो इसी कैसे पता लगेगी, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से सारी डिटेल्स निकल सकती है। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अगर इफ वी वॉन्ट समवन कि हमारे कॉम्पिटिटर हमारा साथ कितने से आगे है कितना नहीं है, उनका कंपैरिजन, और हमें अपडेटेड रहना है टू स्टे अपडेटेड अबाउट आवर कॉम्पिटिटर्स, तो वो कैसे पता लगेगा, अकाउंटिंग उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब कंज्यूमर्स है, अब कंज्यूमर्स को पता करना है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हो रही है वो प्रॉपर कंट्रोल के साथ वो लोग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको एक ऑप्टिमम कॉस्ट के साथ चीजें प्रोड्यूस हो, ताकि उनको एक सही प्राइस पे वो सामान मिले, ताकि वो लोग एक्सप्लॉइट नहीं हो, वो ओवर प्राइस ना हो चीजें। अगर वो ऑप्टिमम कॉस्ट पे नहीं बनेगी तो वो चीजें ओवर प्राइस मिलेगी, और एंड में जाके कौन एक्सप्लॉइट होता है, सिर्फ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। तो कंज्यूमर्स के लिए भी इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को इनोवेशन करना होता है, इनोवेशन करने के लिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नाउ लास्ट इज पब्लिक। पब्लिक के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे एम्प्लॉयमेंट कितनी मिल रही है, सप्लायर्स के साथ कैसे काम हो रहा है, ये सब चीजें मिला के पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें ये पता लग गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें एक और चीज जाननी है, जो उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमें इन सब बातों से पता लगे कि उसके अंदर होने चाहिए। पहली चीज तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, उसका एक रिलेवेंस होना चाहिए। रिलेवेंस का क्या मतलब होता है, कि यानी वो अपने जो जिस काम के लिए वो इन्फॉर्मेशन है वो काम उसका पूरा हो रहा है, तो वो होगी रिलेवेंस। रिलायबल होता है कि वो वेरीफाइबल हो। ओके कि हम उसको वेरीफाई कर सके, यानी वो ट्रुथफुल हो। सो फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जानबूझ के किया हुआ एरर नहीं होना चाहिए। सेकंड इज रिलेवेंस, वो जिस काम के लिए है, जिस काम के लिए काम आनी चाहिए, वो उसी वो ही डिसीजन वो हमको निकाल के दे, ये वो ही इन्फॉर्मेशन हम उससे निकाल सकें। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल मैनर में हो, जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो ये चीज पता कर सकता है कि
किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको क्या पता, उसको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड लास्ट इज फाइनल कंपैरिजन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए. इंट्रा फर्म मतलब क्या होता है आप सोच के मुझे बताओ, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म हो गया, ये भी आपका होमवर्क है.